आपका बच्चा बनेगा बेहतर इंसान अगर अपनाएंगे ये 7 टिप्स। दोस्तों, हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा एक बेहतर इंसान बने, लेकिन सही मार्गदर्शन के अभाव में कई बार उनका ये सपना अधूरा रह जाता है। आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में जिनको अपनाकर आप सफल हो सकते हैं। नंबर 1, माता पिता का आदर्श होना। दोस्तों, माता पिता खुद ही बच्चों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल सेट करें। बच्चों को केवल यही ना बताएं कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं, बल्कि उन्हें खुद करके दिखाएं। बचपन से ही हम दूसरों को समझकर और उनकी क्रियाओं को देखकर उनका अनुसरण करते हुए सीखते रहते हैं, जिससे ये हमारी आदत में भी शामिल हो जाता है। बच्चे खासकर अपने माता पिता द्वारा किए गए हर काम को बहुत ही गहराई से देखते हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को जैसा ढालना चाहते हैं या उसे जैसा इंसान बनाना चाहते हैं, वैसा ही खुद भी बने। अपने बच्चों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें सकारात्मक रवैया सिखाएं। नंबर 2, सकारात्मक स्वभाव रखना। दोस्तों, बच्चों के सामने हमेशा पॉजिटिव अनुभव की बातें करें, ऐसे में वे भी अपना अनुसरण करेंगे और हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ काम करेंगे। बच्चों के लिए लोरी गाएं, उनके साथ दौड़ लगाइए और उन्हें पार्क लेकर जाइए। अपने बच्चों के साथ खिलखिलाइए और भावनाओं के उतार चढ़ाव में बच्चों के साथ रहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसी भी समस्या का समाधान भी करें। नंबर 3, कभी भी हाथापाई ना करना। कभी कभी कुछ माता पिता बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए उनकी पिटाई भी कर देते हैं, और ऐसा करने से उन्हें राहत सी महसूस होती है। हालांकि इस गलत तरीके से आप बच्चे को सही चीजें नहीं सिखा पाएंगे, इससे बच्चे केवल बाहरी चीजों से डरना सीखेंगे। ऐसे में बच्चा सजा से बचने वाले व्यवहार की तरफ प्रेरित होगा। बच्चे के साथ मारपीट करने से उनके मन में ये बात भी घर कर जाएगी कि समस्या को हिंसा से भी हल किया जा सकता है, और ये सोच उनको गलत दिशा में ले जाती है। नंबर 4, बच्चों के लिए सुरक्षित जगह बनाना। दोस्तों, अपने बच्चों को बताएं कि आप उनके लिए हमेशा उनके साथ हैं और उनके लिए एक गर्म जोशी से भरा और सुरक्षित इंसान बने, ताकि वे आपसे अपने मन की बात साझा कर सके। जो माता पिता अपने बच्चों का इस प्रकार लालन पालन करते हैं, उन बच्चों में विकास बेहतर तरीके से होता है। मानसिक विकास के साथ उनका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। नंबर 5, बच्चों पर प्यार जाहिर करना। जीवन में बच्चों से प्यार करने से बढ़कर कोई बात नहीं होती है। बच्चों से प्यार करना उन्हें बिगाड़ना नहीं है। कई पेरेंट्स प्यार के नाम पर बच्चों को भौतिक चीजें, जैसे उनकी पसंद का सामान या मनचाही चीज देते रहते हैं। वास्तविकता में इन चीजों से आपका बच्चा बिगड़ रहा होता है। इनके बजाय बच्चों के साथ समय बिताना और हर दिन उनकी बातों को पूरी गंभीरता के साथ सुनना, जब आप प्यार इस तरह से जताते हैं तो इससे बच्चों में लचीलापन विकसित होता है और आपके साथ बच्चे का रिश्ता भी मजबूत होता है। नंबर 6, परफेक्शन पर जोर न देना। एक अच्छा अभिभावक वो होता है जो बच्चे के हित में कोई भी फैसला लेने की कोशिश करता है। एक अच्छे पेरेंट को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना बेहद महत्वपूर्ण है। सफल पेरेंटिंग परफेक्शन हासिल करने के बारे में नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें उस लक्ष्य के लिए काम नहीं करना चाहिए। नंबर 7, मजबूत संबंध स्थापित करना। हम में से अधिकांश पहले से ही बातचीत के महत्व को जानते हैं। हमेशा अपने बच्चों से बातचीत करें। बच्चों के साथ खुली बातचीत करने से आपके बच्चे के साथ बेहतर संबंध होंगे, और समस्या होने पर आपका बच्चा समाधान के लिए आपके पास ही आएगा। कभी कभी बच्चों के उन अनुभवों पर बात करें जिसने उन्हें परेशान किया हो। अपने बच्चे को चीजों को विस्तार से बताएं, मसलन कैसे हुआ, क्या हुआ और उसने कैसा महसूस किया, ये सब बताने को कहें। ऐसा करने से आप दोनों के बीच अटूट विश्वास पैदा होगा।